अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। G7 ममालिक के 3 रोजा इजलास में क्या कुछ तय हुआ है? बड़ी इक्तसादी ताकतें इस वक्त हमें इकट्ठी दिखाई देती हैं। लेकिन आपको हैरानगी होगी ये सुन के और देख के कि 2 दिन पहले तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो जो चाइना ने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, वो उसका भी मेंबर थे और वहां पे भी बैठे हुए थे। वो उससे पहले जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन थे और बाकी ब्राजील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और बाकी जो चाइनीज थे वो बैठे हुए थे और वो टोस्ट कर रहे थे जनाब कप जो था और एक फ्रेंडशिप और इसकी बातें हो रही थी। इधर जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूरोप आ गए हैं और यहाँ पे आके वो बैठ के, तो वो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव में जो प्राइमरी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव है फॉर द G7, वो इंडिया को वेस्टर्न साइड के करीब करना है। अच्छा, मजे की बात ये है कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है उसको ये इंक्लूड कर रहे हैं एज ए पार्टनर कंट्रीज, और इसके फौरन बाद एक समिट हो रही है स्पेन में जिसमें कोई 30 मेंबर स्टेट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर, साउथ कोरियन और बहुत सारे और जो ममालिक हैं, और ये बेसिकली मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ये एशियन कंट्रीज को भी साथ इसमें बुला रहे हैं। अब अगर आप देखें कि ये जो US, UK, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये जितने भी ममालिक हैं अलॉन्ग विद दिस यूरोपियन यूनियन एज वेल, ये इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें किस तरह इस वक्त रशिया को जो है वो इंगेज करना है, किस तरह रशिया से जो है वो रशिया के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाना है और चाइना के अगेंस्ट भी नैरेटिव बनाना है। एंड आई एम टेलिंग यू विद द फुल जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ख़ासतौर पर यूक्रेनियन जो यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर वो जो इसको बड़ा करीब करना चाहते हैं। इंडिया ये तो कहता है कि ठीक है जंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गए, देखिए चाइनीज इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है, इतने करीब हो के जारी बात है वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जो कि जिसको चाइना इनिशिएट कर रहा है। अब चाइना और इंडिया के मामलात बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे कि उनके आपस में क्या मामलात है आइदर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी, अक्सर मैं उस प्लेटफॉर्म पर बात करता रहता हूँ। अब जो है वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो है जफियाँ डाल रहे हैं, जो बाइडन के साथ भी डाल रहे हैं, एमनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडू के साथ भी डाल रहे हैं, एंड आप उनकी फ्रैंकनेस लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग लाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए। सो कश्मीर कहाँ पर रह गया, डायलॉग कहाँ पर रह गए, चीज़ें कहाँ पर रह गई, ये बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की जरूरत है। दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन। अब इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने कहा था कि वी आर डीपली डिसएंगेज विद द वर्ल्ड, और अब ये जो चीज़ें हैं कि क्या इंडिया को वो इंगेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका जो है वो बार बार ये कह रहा है जनाब कि हम जो है वो 200 अरब डॉलर जो है इकट्ठा करेंगे, हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करना है। अभी भी इसमें ये जो अभी मुलाकात हो रही है इसमें भी ये बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट एंड पब्लिक फंड जो हैं अगले 5 सालों में इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर सकें। अच्छा, अगर आपको याद हो जो G7 की मुलाकात इफ आई एम नॉट रॉन्ग लंदन में हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, जहाँ पे ये सारे इन्वायरमेंट के वाले से बात हुई और नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, सारे गए, वहां पे इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3 समथिंग लाइक दिस B3W आई थिंक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से जो इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया था। अब उसमें इन्होंने बड़ा पैसा लगाने की बात की, कहा जी कि हम तो 40 अरब डॉलर उसमें उस वक्त आई थिंक मुझे याद नहीं है
या इतना जो है वो पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 200 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज वो पुटिंग समवेयर अराउंड 1 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इन दिस BRI। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी भी ज्यादा जितने इस वक्त सारे वेस्टर्न ममालिक परेशान है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन और इन चीजों से, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो जो मेजर डिस्कशन इस वक्त होनी थी यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में, वो तो होनी थी बेसिकली कि जी हम जो है वो क्लीन एनर्जी पे किस तरह काम करेंगे। अच्छा, क्लीन एनर्जी पे ये काम करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि जो 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 चैलेंजेस आए उसको बिकॉज रशियन ऑयल की वजह से और दुनिया में तेल महंगा होने की वजह से, वो जो बात कर रहे थे कि हमें इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करना है, हमें जो है वो जो मैसिव इस वक्त जैसे बोलते हैं ना कि क्लीन एनर्जी की तरफ काम करना है और ये चीजें आगे लेके आनी है, वो थोड़ा सारी बात है मुश्किल होता जा रहा है। और इतने इतना आसान नहीं होगा कि आप क्लीन एनर्जी में और इन चीजों में जो है वो घुसते जाएं। लेकिन अगर 200 अरब डॉलर की बात हो रही है तो ये 200 अरब डॉलर किधर जाना है, किस तरह ये इन्वेस्टमेंट होनी है, ये सारी बात है एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना जो है वो सारी बात है उसको परेशानी तो होती है कि ये सारे मुल्क इकट्ठे हो गए हैं। अब चाइना को जो टेक्निकली चाइना को एडवांटेज ये है कि चाइना का अभी भी सप्लाई चेन पे कंट्रोल है, चाइना के ऊपर अभी भी सारे जो ममालिक हैं वो डिपेंडेंट है, और चाइना जो है वो आज भी जैसे कहते हैं ना ग्लोबली वो ही शॉर्ट्स खेल रहा है, बिकॉज ये सारे लोग तो जितने अभी देखें कितना वल्नरेबल सारा सिस्टम था। आज से 3 माह पहले बच्चों का दूध नापैद हो गया अमेरिका में और उनको पेंटागन को इन्वॉल्व करना पड़ा ताकि वो जो है वो यूरोप से जो है वो फ्लाई करेगा बच्चों का दूध अमेरिका पहुंचे। तो चाहे अमेरिका कितना डिपेंडेंट है दुनिया के ऊपर और सप्लाई चेन के ऊपर, ये सारी चीजें बड़ी रिसेंटली सामने आई हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं कि G7 लीडर जो है वो पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे और जैसे मैं पहले कहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड करेंगे। अब ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था पहले बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और अभी मेरा ख्याल है ये बात सोच रहे हैं कि अगर हम जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जैसे ये वर्ड्स हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं अभी आ रही इन्होंने करना क्या है, उसकी क्लैरिटी ना होने की वजह ये है कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक के लिए और प्लान है और यूरोप का इंडो पैसिफिक के लिए और प्लान है, जिसकी वजह से ये आपस में सारा टाइम कम्पीट करते रहते हैं। और एक रशिया ने जंग शुरू की तो सारी जो अमेरिकन अटेंशन है वो तो यूरोप में आ गई और वो भूल गए कि हमें वहां पे भी कुछ करना है। अब जो बाइडेन साहब हैं वो एक जो जो कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जारी बात है इंट्रोड्यूस कराने आए हैं, और इन टर्म्स ऑफ वो क्योंकि उनको पता है कि वो दे वांट टू लीड। जैसे जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे वो पावर में आए तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इज बैक, वो जो अमेरिका इज बैक है और इस तरह की जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इस पे किस तरह चीज जो है वो हो सकती है। अभी जो G7 में जो लाइकली पॉसिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की तो बात होगी, लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि क्लाइमेट चेंज में जो जर्मनी का मेन एजेंडा था कि क्लाइमेट चेंज पे बात करें, लेकिन वो जितनी इनको तेल की इस वक्त जरूरत है ये तो क्लाइमेट चेंज की तरह वो उस तरह जा भी नहीं सकते, अटेंशन भी नहीं और रिसोर्सेज भी नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ रहा है, तो ये चीजें हैं। ग्लोबल हेल्थ की बात करते हैं, ये बहुत बड़े लॉन्ग टर्म एजेंडे हैं। फिर जेंडर इक्वालिटी हो गया, हाँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इज ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज जिस तरह आपको पता है कि अमेरिकन चाहते थे कि जो G5 है वो ब्रिटेन ना ले या बाकी यूरोपियन ममालिक ने या चाइनीज जो हवावे कंपनी है वो इसमें ना इन्वेस्ट करें, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी यू नो।